हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीसी एकेडमी ग्वालियर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए पूरी क्लासों की एक अच्छा सा मैटर तैयार करके ला रहे हैं, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 यानी 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासों को यहां पर कवर किया जाएगा, उसके पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली बार साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, और आपको जो भी प्रॉब्लम आई होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताई दी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम साइंस का सेकंड चैप्टर। ठीक है दोस्तों, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। आइए अब आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म जीव में। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, क्या होता है सूक्ष्म जीव, क्या जानते हो आप? नहीं जानते? आइए डिस्कस करते हैं सूक्ष्म जीव होता क्या है। सूक्ष्म जीव दोस्तों वह होता है जो हम अपने इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते। वो बहुत ही छोटे छोटे जीवाणु विषाणु इस टाइप के होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इन्हें देखने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है, यानी माइक्रोस्कोप से ही उनको देखा जा सकता है, इसके अलावा उनको नहीं देखा जा सकता। आपको पता चल गया सूक्ष्म जीव होता क्या है। सूक्ष्म जीव क्या होता है दोस्तों? जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों को कुछ अलग अलग टाइपों में बांटा गया है। उनके चार प्रकारों में उनको बांटा गया है, जैसे जीवाणु होता है, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है दोस्तों, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक, फंगी, प्रोटोजोआ जी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, एंड शैवाल को एल्गे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं सूक्ष्म जीव स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी क्या होता है दोस्तों, ये जानना बहुत ही जरूरी है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। स्वपोषी और परपोषी होता क्या है दोस्तों? ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? जो अपना भोजन खुद से तैयार कर सके, जो अपने खाने की व्यवस्था स्वयं से कर सके। ठीक है दोस्तों, और परपोषी क्या होता है? जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि इंसान। इंसान अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, और कई बार ये जानवरों पर भी निर्भर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वपोषी में क्या आता है आप बता सकती हैं? स्वपोषी में क्या आता है? स्वपोषी में हमारे सूक्ष्म जीव आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव अधिकतर मानव के शरीर में भी होते हैं। आपके अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि आप देख नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ये हर जीव व्यक्ति में मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। आपको सूक्ष्म जीव के बारे में पता चल गया। सूक्ष्म जीव होता क्या है आपको बता गया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। आइए इनको दिखा भी देते हैं। दोस्तों, पढ़ने से पहले आप अपनी बुक अपने सामने खोलकर जरूर रख लीजिएगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और आगे वो क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आपको क्या जीवाणु दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जीवाणु हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्पाइरल जीवाणु। स्पाइरल दिख रहा है आपको, स्पाइरल बैक्टीरिया और षडनुमा बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एल्गे है यानी शैवाल है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विषयों के बच्चे को ही इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम दोनों ही भाषाओं में आपको समझाते हैं। आपको भी थोड़ी कोशिश करनी है, यहाँ आपको समझा दिया जाता है, लेकिन आपको भी घर पे जाके इसको स्टडी करना है, तभी आप आगे इसको कर पाओगे, वरना साइंस है दोस्तों। आपको भी पता है कि साइंस अच्छे बच्चों को डुबा ले जाती है, इसलिए घर पे जाके अच्छे से इसकी स्टडी करना है, तभी आप आगे इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसको एल्गे बोलते हैं यानी शैवाल। ये प्रोटोजोआ होते हैं हमारे, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है दोस्तों, ये कवक होते हैं हमारे यानी फंगी। ठीक है दोस्तों, इसमें पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये सब कवक के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और रह गई हमारी, बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है आपकी किताब में, आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपकी ही किताब है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपनी किताब को अपने सामने रख के बैठिएगा, जिसमें से आपको पढ़ाया जा रहा है और वही आप डेली लाइफ में अपने पढ़ते हो।
एक अच्छी चीज रह गई है, वो क्या है? वायरस। वायरस हम सभी जानते हैं, इसको विषाणु भी बोला जाता है। वायरस क्या होता है? देखिए दोस्तों कितना अच्छा चित्र बनाया गया है इसका, देख रहे हो आप कितना अच्छे तरह से ड्रॉ किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? वायरस बोला जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, सूक्ष्म जीव रहते कहां है। सब उसी अगर कुछ अच्छे समझ में आ गया दोस्तों, और अगर नहीं आया हो तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और अच्छे से उनको एक बार किताब में पढ़ लोगे और उसको समझ लोगे, और फिर भी समझ में ना आए तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, हमेशा हम आप लोगों के लिए तैयार हैं। आप जब भी कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बताओगे आपको उनका समाधान जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म जीव कहां रहते हैं, कहां रहते हैं, सूक्ष्म जीव कहां रहते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो ये कहां रहते हैं दोस्तों, अभी जैसा आपको बताया कि ये मानव के शरीर में ही पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कोशिक हो सकते हैं, दो बहुकोशिक भी हो सकते हैं। बहुकोशिक समझते हो, इनमें एक सेल भी होता है और एक से अधिक सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ भी सकते हो, मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, यह है मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी जितने भी जीव हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, इनके शरीर में भी ये पाए जाते हैं। पता चल गया दोस्तों सूक्ष्म जीव कहां रहते हैं। आगे जाके आप इस पैराग्राफ को और पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म जीव और हम, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ये पॉइंट दोस्तों हमसे क्या कहता है, सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, यानी कहना क्या चाह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यानी कुछ लाभकारी भी है, यानी हमें प्रॉफिट भी मिलता है उससे और उससे लॉस भी होता है। ठीक है दोस्तों, और वो हमारे लिए हानिकारक भी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे लिए क्या है, अच्छा है। पहले हम अच्छे पर डिस्कस करते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार अच्छा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ हम बढ़ते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव। सेम यही आ गया कि मित्रवत यानी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कैसे होता है दोस्तों, इसी पे हम बात कर रहे हैं अभी। सूक्ष्म जीव क्या करता है, हमारे साथ बहुत सारी क्रियाएं करता है, जैसे कि दूध से दही का जमने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ब्रेड के बनने में मदद करता है, केक वगैरह जो आप सबसे ज्यादा खाते हो, किसी के भी बर्थडे पे, बर्थडे दूसरे का है लेकिन केक हमें चाहिए, ऐसा होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है हमारे टाइम में, तो हम बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, केक के बनने में ये मदद करता है, दूध से दही बनता है, ब्रेड के बनने में मदद करता है, केक के बनने में भी मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है एक पॉइंट, इंपोर्टेंट लाइंस जो आपको डेली बता दी जाएंगी, आप ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग हेल्पर बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पीले अक्षर में जो पॉइंट लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। ठीक है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है कि जो पुराने समय से, जो हमारे पिछले समय से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किसमें किया जा रहा है दोस्तों, शराब बनाने में किया जा रहा है, एल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, दही एवं ब्रेड का बनना। दोस्तों यहाँ आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ाए जाएंगे, अगर आपको यहाँ पूरी किताब पढ़ा दी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो तो आपको स्कूल में भी पढ़ा दी जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर ये यहाँ किताब पढ़ाइए, वो कैसे आएगी। इसलिए दोस्तों यहाँ आपके साथ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट शेयर किए जाते हैं, जो आपको अच्छे से समझा दिए जाएंगे और इसके बाद आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा, जिससे आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दही एवं ब्रेड का बनना, यानी क्या कहते हैं इसको, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको दोनों ही भाषाओं में बताया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही टाइप के बच्चे बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको दोनों ही भाषाओं में आपको अच्छे से बताया जाएगा, बस
आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपकी ही क्लास है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं लेकिन ये आप लोगों के लिए है, स्पेशल आप लोगों के लिए तैयार की गई है क्लास, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें बने रहें और आपके लिए जो क्लास बनाई गई उसका पूरा का पूरा फायदा उठाएं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, दही एवं ब्रेड का बनना कैसे बनता है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, ठीक है दोस्तों। यानी दूध से दही के बनने में क्या होता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, हमारा एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, दूध से दही को बनाता है, ठीक है दोस्तों। इस बैक्टीरिया की मदद से हमारा दूध से दही बन जाता है। अब आप इस पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु, पनीर, अचार, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया की मदद से ही बनते हैं, ठीक है। दही हुआ, ब्रेड हुआ, पनीर हुआ, ठीक है, इन सभी चीजों का बनना किससे होता है दोस्तों, बैक्टीरिया की मदद से ही होता है, अलग अलग बैक्टीरियों की हेल्प से ये बनते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और अगर कोई समस्या आए तो आगे जाके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। एक होता है हमारा ईस्ट, ईस्ट क्या करता है दोस्तों, ईस्ट हमारा ब्रेड के बनने में मदद करता है, ब्रेड हुआ, पेस्ट्री हुई, केक हुआ, इन सब के बनने में कौन मदद करता है दोस्तों, ईस्ट मदद करता है, ठीक है दोस्तों। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अगले पैराग्राफ को आपको बताया भी गया है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, वाणिज्यिक समझते हो दोस्तों, कमर्शियल यूज इसका कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग से हमें क्या फायदा है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग तो हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, हर चीज में होता भी है, लेकिन इससे फायदा क्या है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग से हमें फायदा क्या है, इससे हमने अभी बता चुके हैं आपको कि शराब बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, शराब बनाई जाती है, शराब तो आप जानते ही हो कितनी महंगी बिकती है मार्केट में, तो दोस्तों इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी भी होता है, ठीक है, इसका कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा होता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, गेहूं, चावल, फलों के रस की उपस्थिति ईस्ट द्वारा शराब बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों, यानी फलों से भी ईस्ट द्वारा शराब बनाई जाती है। फलों से आपने सुना भी होगा फ्रूट बियर का नाम, फ्रूट बियर क्या होता है दोस्तों, फ्रूट बियर से शराब बनाई जाती है, सॉरी फ्रूट बियर की एक तरह की शराब होती है जिसमें क्या होता है, अनेक फलों के द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। उन फलों को पहले बहुत महीनों तक रख के उनको सड़ा लिया जाता है, ठीक है दोस्तों, और फिर ईस्ट की सहायता से उनको उसका क्या कर दिया जाता है, उसको शराब में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। कई बार ये शराब फैक्ट्रियों में बनती है तो वो अच्छे से पक जाती है, और कई बार ये शराब कुछ लोग घर पे भी बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो अच्छे से पक नहीं पाते, इसलिए उसे कच्ची शराब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, ये पीले अक्षर में लिखा हुआ है, लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की, ठीक है दोस्तों। ये पीले अक्षर में जो लिखा हुआ है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तभी ये अलग से उन्होंने पॉइंट आउट करके दिया हुआ है, इसलिए आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिए, ये चीजें आपके पढ़ने के लिए वो ही होती है, इसलिए उनको अलग से दिया जाता है। सूक्ष्म जीव के औषधीय उपयोग, औषधीय इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते होंगे, नहीं समझते तो आपको बता दिया जाएगा, आप घबराएं ना बिल्कुल, बस भरोसा रखें। इस प्रकार आप अपने स्कूल के टीचर पर भरोसा करते हैं कि आप ये हमें अच्छा पढ़ाएंगे, इस प्रकार आप हम पे ही भरोसा कर सकते हैं कि आपको यहाँ कोई भी गलत खबर नहीं दी जाएगी, कोई भी गलत चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या होता है, मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों बहुत बार बार लिख चुके हैं तो आप आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है दोस्तों,
यानी सूक्ष्म जीवों से बहुत प्रकार की औषधियां बनाई जाती है। कौन कौन सी औषधियां बनाई जाती है दोस्तों? एक तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन बनाया जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन दोस्तों आपने सुना होगा, सुना नहीं होगा तो बता देते हैं। पेनिसिलिन का इंजेक्शन क्या होता है दोस्तों? दर्द निवारक होता है। जब भी हमें कुछ चोट लगती है, हमें दर्द होता है, तो डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे हमारा दर्द बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। वो किससे बनता है दोस्तों? सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनता है। और भी प्रकार की गोली कैप्सूल्स वगैरह, ठीक है दोस्तों, जो दवाइयां आप डेली यूज में कभी बीमार पड़ने पर खा लेते हो, वो किससे बनती है दोस्तों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। आप याद रखिएगा, ठीक है। कुछ दवाइयां ऐसी भी होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक तो आपने सुना होगा दोस्तों। एंटीबायोटिक क्या होता है दोस्तों? जो नाम से स्पष्ट हो रहा है, एंटीबायोटिक यानी जो बैक्टीरिया को फैलने ना दे, ठीक है, जो वायरस को फैलने ना दे हमारे शरीर में। अगर धोखे से हमारे शरीर में कोई वायरस घुस जाता है, जैसे कि हम खाना खाते समय हाथ नहीं धोते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं जिससे हमारे शरीर में वायरस फैल जाता है या बैक्टीरिया आ जाता है, तो एंटीबायोटिक क्या करता है? उसको बैक्टीरिया को फैलने से रोक देता है या उसको वहीं पर नष्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। औषधि उपयोग से समझ में आ गया। पीले अक्षरों में फिर लिखा हुआ है, सन 1929 जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन प्रयोग कर रहे थे। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें अलग से पॉइंट आउट करके इसीलिए दी जाती हैं कि आप इनको अच्छे से पढ़ें और समझें। ये चीजें आपके आगे काम आने वाली हैं। आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है। आप बस एक बार इसी का रिविजन घर पर जाके अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ इसमें से देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं हम वैक्सीन। दोस्तों हम आपके किताब के ही थ्रू चल रहे हैं, जो भी आपके किताब में दिया हुआ है हम उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि जो सर है वो क्या पढ़ाने लगे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए आपकी जो किताब में दिया हुआ है उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में और भी मजा आए, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं वैक्सीन पर। वैक्सीन दोस्तों बहुत कम लोगों ने सुना होगा, खैर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से जानते हो वैक्सीन क्या होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? टीका। टीका सभी ने सुना होगा दोस्तों, बचपन में पोलियो की दवाई जो पी होगी, ठीक है, और साथ में टीका भी लगवाया होगा। तो ये टीका क्या काम करता है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होते हैं, वो किसी भी चीज को डायरेक्ट अपने मुंह में ले जाते हैं, ठीक है। बच्चे जैसे मिट्टी है तो मिट्टी को खा लिया, कोई भी चीज अपने उसके हाथ में आ गई वो उसने उसको खा लिया, छोटे बच्चे। तो उनमें क्या होता है, बहुत प्रकार के कीटाणु या वायरस जो है उनके शरीर में चले जाते हैं, जिससे उनका भविष्य खराब होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि ये वायरस धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसलिए उनको वैक्सीन या टीकाकरण कराया जाता है, टीका लगवाया जाता है, जिससे क्या है उनके अंदर जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं उनको नष्ट किया जा सके, ठीक है दोस्तों। हमारा शरीर भी क्या होता है, प्रतिरक्षी होता है, एंटीबायोटिक भी काम करता है, जो कि क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को फैलने से रोकता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अगर टीका नहीं लगवाया गया तो इसके क्या दोस्तों, इसके हानि कौन कौन सी होती है हमें, आप पढ़ सकते हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है, हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस, ऐसी बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। अगर हम टीका नहीं करवाएंगे तो इन बीमारियों के फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हैजा सभी ने सुना होगा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस, इन बीमारियों का फैलना टीका ना लगवाने का ही कारण है, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लेना है, आधे से ज्यादा तो पढ़ाई दिया है, दो चार लाइन आपको और पढ़ लेना है, तो आपका ये पॉइंट भी अच्छे से हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। हम दोस्तों सूक्ष्म जीव पर ही बात कर रहे हैं, ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी होते हैं, किन किन तरीकों से हमारे लिए लाभकारी होते हैं या नुकसानदायक होते हैं, इन्हीं चीजों पर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि बीच में सर क्या पढ़ाने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो बुक में दिया हुआ है आपको वही पढ़ाया जाएगा। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि यानी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। आपको अगर हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो आप अपनी किताब में भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में बकायदा लिखा हुआ है, लेकिन हम हिंदी में बोल भी रहे हैं, या हिंदी में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। बस आप अपनी अपनी किताबों को सामने रख के बैठे रहें, उसको मिलाते रहें, उसमें मैच करते रहें कि सर जो पढ़ा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है।
अगर गलत है तो कह रहे ऐसा हो तो सकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी ही किताब है, आप देख सकते हो, ठीक है, जो आपके हाथ में है वही हमारे हाथ में है, तो ऐसा गलत हो नहीं सकता। फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार अपनी किताब उठा के मैच कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता वृद्धि, ये नीले हरे शैवाल होते हैं। शैवाल तो अभी आपको बता दिया दोस्तों, शैवाल क्या होता है जल्दी बताइए, शैवाल क्या होता है दोस्तों? एल्गी होता है, एल्गी कहते हैं इसे इंग्लिश में, एल्गी लिखे देते हैं, ये शैवाल बोला जाता है इसको दोस्तों। शैवाल क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कर देते हैं। उर्वरता समझते हो दोस्तों? फर्टिलिटी, ठीक है, उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो ये शैवालों का काम होता है, जो कि एक प्रकार के सूक्ष्म जीव ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। शैवाल कैसे देखते हैं इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा एक बार, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आप नीले हरे शैवाल देख सकते हो, आपकी किताब में ही डायग्राम बना हुआ है, आप देखिए ये लिखा हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनो बैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल, देख रहे हैं आप दोस्तों, ये नीले हरे शैवाल है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण, ये तो लगभग सभी लोग पहचानते ही होंगे कि क्या होता है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण से तो हम सभी लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, पर्यावरण हमारे चारों प्रकार का चारों तरफ का आवरण होता है जहां हम रहते हैं, जानते हैं दोस्तों? हाँ जानते हैं, कुछ बच्चे तो जानते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण क्या था दोस्तों? इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लीनिंग द एनवायरमेंट। क्लीनिंग सभी जानते हैं दोस्तों, लिखने की आवश्यकता है फिर भी लिख देते हैं, एनवायरमेंट ठीक है दोस्तों, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। इसमें आपको लिखा हुआ है कि आप जो स्कूलों में क्या है मिट्टी वगैरह से, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, अपने विद्यालय में माली को देखने के पश्चात पहेली बुझो, विद्यार्थियों ने घरों में बगीचे बदल दिया, ठीक है कचरा एकत्रीकरण के निपटान के लिए ओके। पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं, ये हमारी खाद के बनने में मदद करते हैं। आपको पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया है कि जो आपकी खाद है वो हम देसी जो खाद है वो हम घर पे भी तैयार करते हैं, ठीक है, वो किस तरह की जाती है? सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही वो खाद तैयार होती है, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी लाइन में पढ़ लेते हैं, इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी अपने पढ़ लें, उनको कोई समस्या आए तो वो भी बता रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने दोनों ही टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम हानिकारक सूक्ष्म जीव पर, ये पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बता सकते हैं, बट वैसे हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा मुश्किल पॉइंट नहीं था। हानिकारक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव सभी को पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हानिकारक यानी हानिकारक को क्या बोलते हैं? हार्मफुल बोलते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है दोस्तों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल क्यों होते हैं? सभी को पता है जो सूक्ष्म जीव है वो कुछ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, जो दूध दही बनने में मदद करते हैं, ठीक है, केक वगैरह बनने में, इन सभी चीजों में कुछ प्रक्रियाओं में हमारी मदद भी करते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव जो है वो हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक किस प्रकार होते हैं? ये हमें बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देते हैं, अगर हम कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भीतर वैसे तो पहले से मौजूद है, ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारे अंदर और बाहर से फैल चला जाए तो वो क्या है हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो इन रोगकारक सूक्ष्म जीवों से कैसे इन मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, अगला पॉइंट भी है इसको भी पढ़ लेते हैं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, यानी जो मनुष्य के भीतर जो है सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रवेश करते हैं दोस्तों? पानी द्वारा, गंदा पानी हम पी लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया फैले हुए हैं, भोजन द्वारा, हम खाते समय हाथ नहीं धोते हैं तो भोजन द्वारा बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है,
आपने देखा होगा कि जब आप खाना खाने बैठते हो तो बहुत सारी मक्खियां आपके पास आ जाती हैं, तो वो मक्खियां भी एक तरह का बैक्टीरिया लेके आती हैं, क्योंकि उससे पहले वो मक्खियां अलग अलग विभिन्न विभिन्न जगहों पर बैठ के आती हैं। आपको भी पता है मक्खियां हर जगह बैठती हैं, तो वो सभी जगह से बैठ के आपके पास आते हैं, यानी वो भी एक तरह का बैक्टीरिया आपके लिए लाती है, जो कि आपके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का संचरण यानी बैक्टीरिया किस टाइप से फैलता है, सर्दी में जुकाम से फैलता है। ठीक है, सर्दी जुकाम ऐसी बीमारियां ऐसे होती हैं, हैजा, चेरो, ठीक है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स सभी ने सुना होगा। इस प्रकार की बीमारियां किससे होती हैं, इन्हीं सूक्ष्म जीवों से होती हैं। ये पॉइंट भी आपको पढ़ लेना है, आपका पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है, 23 पर दिया हुआ है ये चीज, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। आपको एक ये दिया हुआ है, जैसे ही आप पेज पलटेंगे तो आप आते हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। इन सामान्य रोगों को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सीधी सीधी भाषा में लिखा हुआ है, क्षय रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है, फैलता किसमें है, वायु में फैलता है, और बचाव के उपाय सामने लिखे हुए हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ये सारणी दी हुई है, इसमें कुछ खास नहीं है बताने के लिए, लेकिन बस आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान रख लेना दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी क्लास में पढ़ते हैं तो कुछ होमवर्क भी हमें दिया जाता है, तो यह आपका होमवर्क ही समझ लीजिएगा, और आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। अब आते हैं जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अभी दोस्तों मनुष्यों में बात हो गई, अब हम किस पे आते हैं दोस्तों, जंतुओं पे आते हैं। जंतु तो सभी समझते हैं दोस्तों, जानवर, ठीक है दोस्तों, एनिमल्स। तो जंतुओं में क्या होता है, रोगकारक जीवाणु फैल जाते हैं। सॉरी दोस्तों, जंतु क्या होता है, प्लांट्स भी होते हैं, यहां लिख देते हैं हम, जीव जंतु इनमें दोनों ही आते हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर सभी आते हैं जीव जंतुओं में, तो जंतुओं को प्लांट्स भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कहां, हाँ, इसके नीचे देखिए दोस्तों, ये पीली वाली पीला सा बॉक्स, छोटा सा बॉक्स फिर से आ गया। इन बॉक्सों को हमें ध्यान से पढ़ते रहना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे आगे के लिए, और हो सकता है ये हमारे एक्सरसाइज बन के भी आ जाए। पढ़ लेते हैं, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को भी आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, उनको पक्का ही इंग्लिश आती होगी। ठीक है, तो पेड़ पौधों में भी क्या होता है, हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वो किस तरह से होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, इस तरह की जो फसलें होती हैं, ठीक है, इन फसलों में क्या है, इन फसलों के पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की फसलों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। 2.2 की सारणी भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, ये क्या होता है, जैसे नींबू में कैंसर होता है तो किस प्रकार होता है, जीवाणु सूक्ष्म जीव उसका कारण होता है, और संचरण का तरीका क्या होता है, वायु होता है, फैलने का तरीका वायु होता है। इस चीज को भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है, नॉर्मल बातें बताई गई है, कुछ इसमें इतना खास नहीं है, सादा सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चे दोनों ही अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके भी बता सकते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत अच्छी चीज, खाद, इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, खाद विषाक्तन। खाद विषाक्तन कुछ सुनने में अजीब सा लग रहा है दोस्तों, नहीं, अजीब सा नहीं है ये, या अपने डेली लाइफ में सुनती हो, फूड पॉइजनिंग आप सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि फूड पॉइजनिंग यानी खाना जहर कैसे बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ऐसा होता भी है जी दोस्तों, खाना जहर भी बन जाता है। कब बनता है दोस्तों, जैसे मान लो आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए, ठीक है, जब आप उसकी बर्थडे पार्टी में गए तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रकार की डिशेस मिली, ठीक है, और आपने सोचा कि मैं तो एक बार में सब कुछ खा जाऊंगा, एक बार में सब कुछ आप खा गए, लेकिन क्या है, उन खाने में भी जैसा आपको अभी बताया गया, क्योंकि कुछ टाइप के बैक्टीरिया उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जब वो बैक्टीरिया खाने के थ्रू हमारे शरीर में गए और हमने बहुत अधिक मात्रा में उस खाने को खा लिया, तो हमें क्या होने लगता है दोस्तों, वॉमिंग होने लगती है, यानी उल्टी वगैरह ऐसा मन होने लगता है, उल्टी भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऐसे विषैले पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो
उससे क्या है दोस्तों, इससे हमारी मौत भी हो सकती है, यानी फूड पॉइजनिंग से किसी की मौत भी हो सकती है, इसलिए यहाँ खाने को जहरीला भी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम खाद्य परिरक्षण, यानी मैन्योर प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण। खाद तो सभी ने सुना होगा दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया गया है और उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये साइंस है दोस्तों, आप कभी भी ये आपके दिमाग से उड़ सकती है, इसलिए आपको डेली इसको पढ़ते रहना है। ठीक है, थोड़ा सा आपकी बुक में से भी लेके चलते हैं और कुछ फिर आपको बता दो दिया ही जाएगा। ठीक है, अध्याय एक में हमने खाद बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपयोग के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, जब हमने खाद के भंडारण आपको पढ़ा दिया गया था, भंडारण क्या होता है स्टोरेज, जब इसके बारे में आपको पढ़ाया गया तो खाद क्या होता है, अलग कई जगहों पर खाद से जैसे हम फसलें बनाते हैं फिर उनकी कटाई होती है और उनका भंडारण कर लिया जाता है, तो उसमें क्या है कि हम पके हुए भोजन को घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले में नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। आपको पता होगा कि जब हम खाने को ऐसा ही खुला छोड़ देते हैं तो वो जल्दी ही खराब हो जाता है। वो किस कारण खराब हो जाता है, वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही खाना हमारा खराब हो जाता है। जब हमारा भोजन ऐसा ही खुला रखा हुआ होता है तो हमारा खाना खराब हो जाता है। लेकिन क्या आपने दोस्तों कभी देखा है, जैसे मान लो हम बाजार गए, एक किलो आम हम लेके आए, जब हम आम लेके आए और हमने वो ऐसे ही रख दिए, ठीक है दोस्तों, तो वो आम क्या है, कुछ तीन चार जैसे हम कुछ दिनों तक उसको खा नहीं पाए तो वो आम क्या हो जाते हैं, खराब हो गए। लेकिन जब हमारे घर पे मम्मी ने आम का अचार डाला हुआ होता है तो वो आम का अचार महीनों तक सालों तक खराब नहीं होता। उसका क्या कारण है दोस्तों, क्या आपको पता है ये बात? नहीं पता तो आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं। ठीक है, खाने को क्या है, खराब होने से सूक्ष्म जीवों से बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, जैसे केमिकल मेथड, ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट या प्रिजर्वेशन बाय शुगर यानी चीनी द्वारा, नमक द्वारा और कुछ केमिकल उपाय भी होते हैं इसके, जो कि आपको देख रहे हैं। ठीक है, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इसके सामान क्या होते हैं, परिरक्षक होते हैं। ठीक है, केमिकल में हमारे ये दो केमिकल आते हैं जिसे अगर हम खाने या अचार वगैरह में अगर हम मिला देते हैं तो वो सालों तक खराब नहीं होता। ठीक है, आपको ये पढ़ लेना अच्छे से, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नमक द्वारा, तो नमक क्या करता है, बाय सॉल्ट, नमक क्या करता है दोस्तों, मांस एवं मछली के परीक्षण में भी ये सहायक होते हैं। परीक्षण तो आप समझते होगे दोस्तों, सॉरी बता दिया, बोल पढ़ लिख देते हैं एक बार, प्रिजर्वेशन, क्योंकि यही चल रहा है दोस्तों, प्रिजर्वेशन ही हम अभी समझ रहे हैं यानी परिरक्षण। तो नमक क्या करता है दोस्तों, मांस और मछली जो होती है वो जल्दी ही खराब तो हो जाती है, लेकिन नमक क्या करता है, इसको काफी लंबे अरसे तक इसको रख देता है। जब हम मांस मछली को नमक से ढककर रख देते हैं तो वो क्या करता है, कब उसको खराब नहीं होने देता है दोस्तों। ठीक है, उसका परिरक्षण करता रहता है यानी प्रिजर्वेशन करता रहता है। ओके, और नमक का उपयोग आम आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। आपको ये पता होगा कि आम वगैरह जब आम का अचार डालते हैं, आंवले का अचार डालते हैं, इमली वगैरह डालते हैं तो क्या होता है, इमली वगैरह खाते हैं तो इनमें भी क्या होता है, नमक का उपयोग किया जाता है, नमक इसको खराब नहीं होने देता है, नमक के द्वारा भी इन सब चीजों का परिरक्षण किया जाता है। अब हम आते हैं चीनी पर, चीनी बाय शुगर, बाय शुगर, शुगर क्या करता है, चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है। जैसे खाद्य पदार्थ जो होता है वो नमी के कारण, खाद्य पदार्थ क्या होता है, नमी के कारण खराब होने की संभावनाएं रहती हैं। जब खाद्य पदार्थों में नमी आ जाती है, वो वातावरण उनको सही नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, वो खराब होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन चीनी क्या करता है, उसकी खाद्य पदार्थ की नमी में कमी कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा
जो आपके घर में रसगुल्ले चमचम वगैरह सुना होगा आपने, छेना बोलते हैं जैसे, ये सब बनते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये कुछ समय तक खराब नहीं होते, यानी उसकी नमी में कमी कर देता है, लेकिन वो खराब हो जाते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद, तुरंत ही खराब वो नहीं होते। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तेल और सिरका तो आपने सुना होगा, तेल तो सभी जानते हैं, तेल क्या होता है, तेल से हमारे अचार, अचार अभी बताया दोस्तों कि जो आम का अचार घर पर डलता है उसमें तेल मसाले वगैरह बहुत अच्छे तरीके से डले हुए होते हैं, जिससे वो खराब नहीं होता, यानी तेल क्या करता है हमारे अचार वगैरह या कुछ सब्जियों को क्या करता है, खराब होने से बचाता है, यानी उनका प्रिजर्वेशन करता है, सूक्ष्म जीवों से सहायता भी करता है, जो सूक्ष्म जीव उनको खराब कर देंगे उसको पता है कि सूक्ष्म जीव तेल, तेल को पता, तेल सूक्ष्म जीवों से हमारे सब्जियों की उनकी रक्षा करता है आम के अचार की, ठीक है, जिससे कि सूक्ष्म जीव उनको खराब नहीं कर पाते। गर्म एवं ठंडा करना, ये सभी बच्चे जानते हैं, ये ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि घरों में सभी ने देखा होगा कि मम्मी सब्जी शाम के टाइम गर्म करके रख देती है जिससे कि वो खराब नहीं होती है। गर्म एवं ठंडा करना, और ठंडा कैसे किया जाता है दोस्तों, जब हम कोई चीज लाते हैं मार्केट से, बाजार से कुछ चीज लाते हैं तो उसको सीधा फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि वो जैसी की तैसी ही बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। उबालने से क्या होता है, गर्म करने से क्या होता है, उसके अंदर के सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जब उसके अंदर के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तो वो उसको खराब भी नहीं होने देते, कुछ समय तक उसको रोक लेते हैं। और ठंडा करने से क्या होता है दोस्तों, उस वो जैसे जो सूक्ष्म जीव उसमें है वो सूक्ष्म जीव भी धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे, और ठंडा क्या होता है सूक्ष्म जीव से लड़ने में सहायक होता है, उनको वहीं पर रोके रखता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं भंडारण एवं पैकिंग, पैकिंग सभी ने सुना होगा, ठीक है, कुछ चीजों को हम पैक कर देते हैं, कैसे, जैसे कि आप मार्केट में कुछ खाना लेने गए और उसने उसको पन्नी में रखा और पैक कर दिया, क्यों, क्योंकि हवा में जो बैक्टीरिया है वो उससे ना छू पाए, क्योंकि पन्नी टवकी बैक्टीरिया को से लड़ने में सहायक होती है, वो बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देती, तो हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर सब्जी वगैरह या जो भी चीज हम पन्नी में लाते हैं तो उसके अंदर नहीं जा पाते और हमारी सब्जी सुरक्षित घर पर आ जाती है, ठीक है दोस्तों, इसलिए सब्जी को अधिकतर पैकेटों में रखा जाता है। मेवा वगैरह भी रखी जाती है, मेवा तो सभी जानते होंगे, ठीक है, बादाम, छुआरे, दाखें, किशमिश, किशमिश कहते हैं जैसे, यानी बहुत सी चीजें जो होती हैं वो पॉलिथिन या पन्नी वगैरह ये सब में सहायक होती है। अब हम आते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जो हम बात कर रहे थे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको अच्छे से समझिएगा और लगभग सेकेंड लास्ट पॉइंट भी है, तो और अच्छे से समझिएगा जिससे आपका सेकेंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपको बार बार इसे पढ़ने की, जाना बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें तो गारंटी है कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, आप इसको अगर अच्छे से रिविजन करते रहेंगे तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, आपने सुना होगा कि वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस रहती है, ठीक है, 21% क्या है हमारा ऑक्सीजन है, और 1% अन्य में क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ और कार्बनिक गैस पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है 78% नाइट्रोजन जब वायुमंडल में उपस्थित रहती है तो नाइट्रोजन 78% हमारी वायुमंडल में उपस्थित है, जब 78% नाइट्रोजन है तो बहुत अधिक मात्रा में है और इसका उपयोग भी अधिक से अधिक किया जाता होगा। जब तड़ित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण क्या होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए, नाइट्रोजन तो सभी जानते हैं आप कि नाइट्रोजन गैस है एक प्रकार की जो कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, नाइट्रोजन आप सभी जानते हैं। स्थिरीकरण क्या होता है, जब कोई गैस किसी एक स्थान पर रह जाती है, ना वो कम होती है ना ज्यादा होती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है, स्थिर को, सॉरी दोस्तों इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्थिरीकरण क्या होता है, जब कोई गैस किसी एक जगह पर स्थिर रह जाती है, ना वो कम होती है और ना ही वो ज्यादा होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। स्थिरीकरण क्या होता है, जब कोई गैस नाइट्रोजन गैस ना कम होती है ना ज्यादा होती है, किसी एक जगह पर स्थिर रह जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। अब आते हैं हम
आज के सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल। आपकी किताब में ही ये बना हुआ है तो आपकी किताब में से ही आपको पढ़ाया जाएगा, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का है ये, और सभी लोग अपनी अपनी किताबें खोल के रख लीजिएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन साइकिल अगर आपने एक बार समझ ली तो आपको दूसरी बार समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पहली बार में नहीं समझी तो आप इसको बार बार भूलोगे, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से खोल के रख लीजिएगा, अपनी बुक अपने सामने रखा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारे वायुमंडल में, जैसे आप एटमोस्फेयर में जैसा कि आपको बताया कि क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहती है। अब नाइट्रोजन के द्वारा क्या किया जाता है, आप देखते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ऊपर दी हुई है, ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन यहां दी हुई है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से हम इस तरह से हमारी साइकिल चलती है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों, दिखाया आपको अच्छे से, इस तरह से हमारी साइकिल चलती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, स्थिरीकरण दोस्तों अभी आपको बता दिया गया, जीवाणु आपको बता दिया गया और शैवाल आपको बता दिया गया, ठीक है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल भी आपको दिखा दिए गए हैं दोस्तों, आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनका स्थिरीकरण कर लिया जाता है, यानी नाइट्रोजन को स्थिर कर दिया जाता है। अभी आपको बताया स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन जब एक जगह पर स्थिर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, साइकिल दोस्तों ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, तो इसके बाद क्या होता है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना, यानी इसका क्या होता है, नाइट्रोजनी यौगिकों में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है, इंग्लिश में भी बोल देते हैं दोस्तों वरना नारा भी लगाओगे तो इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में इसको बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी एक और क्रिया होती है जो क्या होता है, एटमोस्फेरिक क्रिया हुई है, और एक और क्रिया हुई यहां से जो क्या है, लाइटिंग है, जब इसमें हम लाइटिंग आई तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, तड़ित आप सभी जानते हो लाइटिंग बोलते हैं, लाइटिंग का जब स्थिरीकरण हुआ तो ये कहां आ गए, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोल, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक में ये डायरेक्ट बन गया। ठीक है दोस्तों, इसकी दो क्रियाएं होती है, एक नाइट्रोजन फ्लिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन यानी शैवालों द्वारा, फिर नाइट्रोजन यौगिक बनी, नाइट्रोजन यौगिक से क्या हुआ, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिकों का निर्माण हो गया, तो नाइट्रोजन की यौगिक कहां हुए, मिट्टी में उपस्थित हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी साइकिल दोबारा चलाते हैं, यहां से चले थे वायुमंडलीय नाइट्रोजन से चले यहां तक, ये चल गई हमारी साइकिल नीले हरे शैवाल द्वारा, इसका स्थिरीकरण हो गया। इसके बाद अब आगे बढ़े तो नाइट्रोजन यौगिक हमें मिल गए, नाइट्रोजन यौगिक कहां गए, सीधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक में इनको मिला दिया गया, यानी इनमें परिवर्तित हो गए। अब हमारी साइकिल फिर से घूमेगी तो क्या होगा दोस्तों, आगे जाएंगे जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, गैसीय नाइट्रोजन में जब अगर परिवर्तन हो गया तो किसके द्वारा होगा दोस्तों, जीवाणु द्वारा इसका परिवर्तन हो गया, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, और जब हम यहाँ गैसीय नाइट्रोजन में मिल गई तो वो गैसीय नाइट्रोजन जाके वायुमंडल में फैल गई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक, अभी एक पॉइंट रह गया है, जब हम यहां से बढ़ते हैं तो पौधों द्वारा अवशोषण, पौधों द्वारा जब इसका अवशोषण कर लिया जाता है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों का, इसमें पौधों द्वारा अवशोषण कर लेते हैं तो वो जंतु क्या करते हैं, पौधों को खा लेते हैं, तो जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो कहां पहुंच जाते हैं, जंतुओं में पहुंच जाते हैं, और फिर लिखा हुआ उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण, यानी क्या होता है दोस्तों, जब हम जानते हैं मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं इन यौगिकों को क्या करते हैं, पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ये मिट्टी में उपस्थित होते हैं तो पेड़ पौधे मिट्टी में लगे रहते हैं, जड़ द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो जलजीव जंतु होते हैं इनके द्वारा पेड़ पौधों को खा लिया जाता है, जब वो पेड़ पौधों को खाते हैं तो नाइट्रोजन के यौगिक उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जब नाइट्रोजन की जब हमारे जीव जंतु जो है मृत्यु जब उनकी हो जाती है, उनका उत्सर्जन होता है तो नाइट्रोजन फिर से मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि मरने के बाद सभी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसके जो नाइट्रोजन की यौगिक हम फिर से मिट्टी में पहुंच जाते हैं, तो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की यौगिक उपस्थित रहती है, और ये हमारी साइकिल इस तरह से फिर से चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन साइकिल अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर से आपको एक बार बना के बता दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, एक्सरसाइज आपको घर पर जाके अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि विश्वास है हमें कि जो भी चीज आपको पढ़ाई गई है वो आपको 100% देखी जाएगी, आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, पूरे से पूरे सेकंड चैप्टर में अगर आपको कहीं
कहीं भी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको पल पल की अपडेट दे दी जाती है, आपकी पूरी क्लासें यहाँ कवर कर ली जाती हैं। इन क्लासों को, ये क्लास है हमारे लिए नहीं दोस्तों, ये आपके लिए ही फायदेमंद है, हम आप लोगों का ही फायदा सोच रहे हैं, इसीलिए ये क्लासें रखी गई हैं। आप अच्छे से जाके रेफरेंस को स्टडी करिएगा और रिविजन करिएगा। अगर आपको आगे कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। दोस्तों कमेंट तो आपको करना ही।